बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हार्वर्ड एकेडमी की तरफ से खुश आमदीद करते हैं। हम अपने एमएस ऑफिस की ट्रेनिंग का आज जो लेसन पढ़ेंगे वो एमएस वर्ड और नेक्स्ट इसका हम फंक्शन पढ़ेंगे डिज़ाइन की टैब। हमने पहले होम की टैब पे जितने फंक्शन थे वो सीखे, उसके बाद इंसर्ट, और आज हमारा जो सेशन है ये हम सीखेंगे डिज़ाइन के मुतालिक कि आप डिज़ाइन में क्या कुछ कर सकते हैं एमएस वर्ड के अंदर। तो सबसे पहले तो आप अपने डॉक्यूमेंट जिसको बनाने जा रहे हैं उसका डिज़ाइन कैसे बना सकते हैं। सबसे पहला जो ऑप्शन है हमारे पास, जितने हमारे पास टेम्पलेट्स हैं तो उसको मैं क्लिक करता हूँ तो ये मेरे पास आ जाएगा ये डिज़ाइन। अब लेकिन ड्राप डाउन के साथ आप और भी डिज़ाइन देख सकते हैं कि जितने आपके पास ऑप्शन अवेलेबल हैं। लेट्स सपोज मैं ये कर लेता हूँ, ठीक है जी। और मैं सबसे पहले अगर टाइप करूँगा एम एस ऑफिस ऑनलाइन ट्रेनिंग आवर दिस ट्रेनिंग सेशन कंप्राइजेस MS Word, PowerPoint, Excel and Internet usage and also about email using टेक्निक्स। तो ये हमने इस पर अगर फंस के टाइप करते जाते हैं तो ये हमारे पास, और तो हम इस तरीके से इसको एक हमारे लेटर का डिज़ाइन बनेगा। तो ये हमारे पास ऑलरेडी टेम्पलेट्स मौजूद हैं। मैं इसी टेक्स्ट को कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ ताकि हमारे पास काफ़ी सारा टेक्स्ट आ जाए। और अब मैं कहीं पे टेक्स्ट कम करना चाहता हूँ या सॉरी पैराग्राफ, क्योंकि एक रीज़नेबल लेंथ होनी चाहिए एक पैराग्राफ की। तो ये हमारे पास आप डिज़ाइन देखें तो इस तरीके से बन चुका है। अब अगर मुझे कोई और डिज़ाइन चेंज करना हो तो उसको मैं अप्लाई कर सकता हूँ, तो ये हमारे पास ऑप्शन आ जाएंगे। उसके बाद कलर्स जो हैं आप कौन कौन से यूज़ करना चाहते हैं अपने जो आप काम कर रहे हैं, तो ये आपके पास मुख्तलिफ ऑप्शन है। एमएस ऑफिस 2007-10 ये ब्लू स्टाइल है, और ये इस तरीके से आप मुख्तलिफ कलर स्कीम वगैरह यूज़ कर सकते हैं जब आप ब्लैक एंड वाइट में टेक्स्ट को करना चाहते हैं। तो ये हमारे पास इंसर्ट के ऑप्शन अवेलेबल होंगे। आप देखें इसमें चेंजेस आप महसूस करें कि कैसे आप इसमें चेंज देख रहे हैं। अब ये हमारा स्टाइल है। अब लेट्स सपोज मैं किसी पे भी क्लिक करता हूँ तो क्या चेंज उसमें डिफरेंस आ रहा है। अब उस पर टेक्स्ट पे अगर आप गौर करें तो जब मैं चेंज करता हूँ टेम्पलेट तो हमारे पास राइटिंग स्टाइल भी चेंज हो जाता है। और ये देख लें, हर एक का एक अपना स्टाइल है, तो आप जो भी स्टाइल यूज़ करना चाहते हैं उसको आप यूज़ करते हैं। तो ये हमारे पास यानी कि कलर्स और फॉन्ट का आप स्टाइल कौन सा है, कैलिबरी या सारे के सारे पे एक ही अप्लाई एट ए टाइम करना चाहते हैं, तो मैं फर्ज किया ये कहता हूँ जी ये आप टैक्स स्टाइल लगा दें तो वो सारे का सारा फॉर्मेट चेंज कर देगा। जाए इसके लाइन टू लाइन करें या सेलेक्ट करके उधर ऑप्शन में जाएं तो आप डिज़ाइन में जाके फॉन्ट साइज फॉन्ट डिज़ाइन और इस पर काम कर सकते हैं। इसके अलावा पैराग्राफ स्पेसिंग जो है, आप नो पैराग्राफ स्पेस करना चाहते हैं तो आप देख लें पैराग्राफ टू पैराग्राफ स्पेस नहीं है हमारे पास। दूसरे नंबर पे कंपैक्ट करना चाहते हैं, बिल्कुल ये साथ जुड़ा हुआ होगा, कंपैक्ट इसको कहते हैं। और इसके अलावा टाइट आप चाहते हैं तो इतनी ज़्यादा स्पेस और भी कम है लेकिन बिल्कुल लाइन टू लाइन नहीं है। और इसके अलावा आप ओपन डिज़ाइन रखना चाहते हैं तो आप देखें पैराग्राफ टू पैराग्राफ, तो ये पैराग्राफ टू पैराग्राफ हमें इनफैक्ट बता रहा है या फंक्शन दे रहा है कि पैराग्राफ के अंदर आप कितने, अगर डबल स्पेस करना चाहते हैं तो देख लें आप पैराग्राफ टू पैराग्राफ और लाइन टू लाइन डबल स्पेस हो चुकी है आपके पास।
रिलैक्स जो है ये अब देख लें स्पेस भी है और वर्ड टू वर्ड भी डिफरेंस है, तो ये आपके पास स्टाइल है। इसके अलावा इफ़ेक्ट्स आप कौन से सीखना करना चाहते हैं तो ये देख लें। अब जब आप नए इफ़ेक्ट पे जाएंगे तो आपका कुछ ना कुछ डिफरेंस है, इतना ऑब्जर्वेबल नहीं है लेकिन डिफरेंस होता है। तो ये होता है रिफ्लेक्शन का। इसके अलावा डिफ़ॉल्ट पे सेट एज डिफ़ॉल्ट भी रखना चाहते हैं तो जब भी आप टाइप करेंगे तो आपका ये स्टाइल एज ए डिफ़ॉल्ट काम करेगा। तो ये जो ब्लू कलर की होती है ग्रामेटिकल मिस्टेक होती है, इसको आप कर सकते हैं। अच्छा, ये हो गया हमारा हमने जो सीखा डिज़ाइन में आगे चल के। और अब हम इम्पॉर्टेंट जो चीज़ देखेंगे वो है वाटर मार्क सीखना। तो हम इसको मोर वाटर मार्क फ्रॉम ऑफिस आप देखना चाहते हैं या कस्टमाइज़ करना चाहते हैं या जो पहले लगा हुआ उसको रिमूव करना चाहते हैं। पहले हम लगाते हैं वाटर मार्क अपने स्टाइल का। तो हम पेज के पीछे जो आपका कुछ लिखा होता है तो आप इसमें पिक्चर भी कर सकते हैं। नो वाटर मार्क ऑलरेडी इस पर क्लिक होता है। आप पिक्चर को अगर ऐड करना चाहते हैं तो पिक्चर भी इसमें डाली जा सकती है। लेट्स सपोज मैं पिक्चर लगाता हूँ तो मुझे पिक्चर यहाँ से सेलेक्ट कहीं से करनी पड़ेगी। तो मैं नेट से भी कर सकता हूँ या कंप्यूटर से भी कर सकता हूँ। अगर मैं कंप्यूटर से लगाना चाहता हूँ तो मैं इंटरव्यू ये जो मेरे पास है इस पिक्चर को फर्ज के मैं लगा देता हूँ, अप्लाई कर लेता हूँ। अब देख लें मेरे पास जो इंटरव्यू हर पेज पे लिखा हुआ आएगा। अब मैं यहाँ पे हूँ तो मैं फ़र्ज़ किया अब अगले पेज पे जाता हूँ तो उस पे भी ऑटोमेटिकली वाटर मार्क आ जाएगा कि इंटरव्यू। तो ये आप अगर पिक्चर उसमें ऐड करना चाहते हैं तो ये भी आपके पास ऑप्शन है वाटर मार्क में। अगर आप उसमें कस्टमाइज़ करते हैं और आप एक वक्त में एक ही यूज़ होगा तो टेक्स्ट लगाना चाहते हैं तो टेक्स्ट आप कौन सा लगाना चाहते हैं। मैं लगाना चाहता हूँ कि हार्वर्ड एकेडमी का, हार्वर्ड एकेडमी, ठीक है जी। अब मैंने इसका लगा दी, डायगनल है हॉरिजेंटल है, आप कौन सा लगाना है। मैं डायगनल लगाता हूँ लेट्स सपोज। तो मैंने अप्लाई कर दिया। अब आप देखेंगे कि आपके पास यहाँ पे आपको हार्वर्ड एकेडमी लिखा हुआ है, शो हो रहा है। अगर आपको विजिबल है यहाँ पे देखें डायगनल फॉर्म में आपको शो होना चाहिए। अब हर पेज पे ये आपका वाटर मार्क आ जाएगा। अच्छा, अब हम वाटर मार्क की थोड़ी सी कुछ सेटिंग कर लेते हैं, कस्टमाइज उसको करते हैं। और हम चाहते हैं कि ये टेक्स्ट है हमारे पास, लैंग्वेज है, टेक्स्ट है, फॉन्ट है, कौन सा फॉन्ट लगाना चाहते हैं, साइज़ कौन सा लगाना चाहते हैं और कलर किस में लगाना चाहते हैं। मैं रेड में लगा लेता हूँ लेट्स सपोज। अब मैं अप्लाई करता हूँ तो अब देख लें मेरे पास जो हमारा वाटर मार्क है वो रेड कलर में आ चुका है। अब कुछ पहले से ज़्यादा विजिबल भी है। तो इस तरीके से आप वाटर मार्क उसमें ऐड कर सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा मैं इसी पेज के पेज का कोई कलर सेट करना चाहता हूँ डिफ़ॉल्ट, कि जो भी मैं टाइप करूँ तो उसका बैकग्राउंड जो है वो हल्का सा कुछ कलर वाला हो। तो अब मैं ये अप्लाई करता हूँ तो पूरा पूरा जो मेरे पास डॉक्यूमेंट होगा जिसपे मैं काम कर रहा हूँ ये ऑटोमेटिकली उसको कलर लगा देगा। अगर आप पेज के बॉर्डर लगाना चाहते हैं तो ये आपके पास बॉक्सेस की शक्ल में आप लेके जाना चाहते हैं, कौन सा लगाना चाहते हैं वो आपको ऑटोमेटिकली देख लें। अब मेरा जितना भी पेज होगा उस पे बॉर्डर बना होगा और मेरा टेक्स्ट होगा और भी थोड़ा सा पहले की निस्बत खूबसूरत हो चुका है। तो इस तरीके से हम डिज़ाइन का पूरा जो हिस्सा है वो आज हमने एक ही लेक्चर में कवर कर लिया एमएस वर्ड का। और इंशाल्लाह इसके बाद हम पेज लेआउट के ऊपर बात करेंगे और उसको भी कंप्लीट कवर करेंगे। तो आप हमारे अगर ये आपको इस तरीके से एमएस वर्ड की जो ट्रेनिंग है पसंद आई है या हमारा पढ़ाने का अंदाज़ आपको अच्छा लगा तो आप पूरा कोर्स हमारा ज्वाइन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट के ऊपर। और हमारी वेबसाइट का एड्रेस जो है वो है www.harvardacademy.com। इसके अलावा व्हाट्सएप पे भी हमें आप कांटेक्ट कर सकते हैं और गाइडलाइन ले सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।